हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा जो आपकी अगस्त में होने वाली है, उसके लिए हम साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको लगा रहे थे। तो पहले हमने आपके जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था उसकी थ्योरी, साइंस में बायोलॉजी की थ्योरी हमने लगभग कम्प्लीट कर ली है। तो उसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप सारी थ्योरी को देख सकते हैं। और उसी के क्रम में हमने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। जैसे आपका पहला जो टॉपिक दिया गया है बायोलॉजी का, वो है सजीव जगत, ठीक है। तो सजीव जगत में सबसे पहले हमने कोशिका वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वही उसी क्रमबद्ध रूप से ये प्रैक्टिस सेट है। जैसे कोशिका वाला टॉपिक हमने पहले कोशिका का बेसिक पढ़ा था, फिर उसके बाद कोशिका के जो विभिन्न कोशिकांग हैं, फिर इसके बाद यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर आपकी जंतु और पादप कोशिका क्या होती है, इसके बाद हमने विभाजन पढ़े थे, सूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो उसी क्रम में ये हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में हमने कोशिका के बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन किए। फिर सेकेंड जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो कवर किए। फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक संबंधी क्वेश्चन किए, फिर पादप जंतु कोशिका। तो क्रमबद्ध रूप से प्रैक्टिस सेट हैं आपके, और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन हैं उनकी संख्या भले ही कम है, लेकिन जब आप इसका विश्लेषण देखेंगे तो आपका रिवीजन तो होगा ही, साथ ही साथ आप दोबारा से यहाँ अपनी थ्योरी को कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज भी है कि जैसे आपके इलेक्शंस हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुका है, तो आपने देखा होगा आज आपके वर्ग 1 की जो काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर बता दी गई है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से होनी है, ठीक है। तो आपका जो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन है वो भी आपको बहुत ही जल्द अब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास में मात्र 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो अब आप इस 1.5 महीने में किस तरीके से तैयारी करेंगे ये आपको सोचना है। कितना अधिक से अधिक समय आप अपनी स्टडी को दे सकते हैं, सिर्फ 1.5 महीने की बात है, ठीक है। इतने में यदि आप अपना 100% अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो आप यहां सेलेक्ट ज़रूर होंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं होगा जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी, ठीक है। क्योंकि जिसने भी पात्रता परीक्षा यहां क्वालिफाई कर ली है तो वो तभी से यहां पर जो है लगा हुआ है। और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार जब एक ही परीक्षा होती थी तब भी वर्ग 2 का यहाँ पर एग्ज़ाम दिया होगा, तो वहाँ पर भी उन्होंने तैयारी करी होगी, वर्ग 3 का भी एग्ज़ाम दिया होगा, वर्ग 1 का भी दिया होगा। तो आप यहाँ पर मतलब आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो गई होगी अभी तक तो, और अभी तक जिसने भी मतलब ऐसा लगता है कि अभी भी उसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो आपसे एक ही बात कहेंगे, अभी भी आपके पास समय है, मात्र 1.5 महीने, आप समझिए आपके अंतिम दिन हैं। और इन अंतिम दिनों में जो तैयारी करता है मतलब पूरी लगन निष्ठा के साथ में, वो यहाँ पर मतलब सक्सेस ज़रूर प्राप्त करता है, ठीक है। तो आपसे यही कहेंगे कि आप अधिक से अधिक समय दीजिए और थोड़ी समझ के साथ यहाँ चीज़ों को हैंडल करिए, क्योंकि केवल मेन सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली होती हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करता है, तो आपको फंसना कतई नहीं है, आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चनों को आप कब लगा पाएंगे, जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। तो बार बार कहते आ रहे हैं आप कई कमेंट्स आते हैं कौन सी अच्छी बुक्स होती हैं, कहाँ से पढ़ें, कौन सी यूट्यूब चैनल से पढ़ें। तो आपको जिसकी भी क्लासेस पसंद आती हैं, पसंद का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा लाइक हैं, ज़्यादा व्यूज़ हैं तो वहाँ पर आप जुड़ें, पसंद का मतलब है आपको जहाँ पर चीज़ें समझ आती हैं, आपका जो टॉपिक जहाँ से क्लियर हो रहा है आपको वहाँ से करना है। और जितना अधिक से अधिक गहन अध्ययन आप कर सकते हैं अपने तरीके से भी कीजिए, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक यहाँ पर बता दिया किसी भी टीचर ने आपको, तो आप फिर उस टॉपिक को और अधिक मतलब खोजने का प्रयास करिए अपने तरीके से, ठीक है। और जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप सक्सेस ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, जिसमें हम आपके जो हैं विभाजन संबंधी जो क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ पर करेंगे। और ये जो आप यदि थ्योरी वाली इनकी क्लासें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी बना दी है, ठीक है। अब 1-2 दिन के अंदर आपकी फिजिक्स की क्लासेस भी हम स्टार्ट कर देंगे, और आप जब हमने पात्रता परीक्षा हुई थी तब भी आपकी क्लासेस चलाई हुई थी,
तो आप वो क्लासें ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें भी आपके साइंस की लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत सारी थ्योरी आपकी कवर होगी, ठीक है। और जो नई क्लासें अभी आपके लिए चयन परीक्षा के लिए दी थी उसमें और अतिरिक्त थ्योरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो 61 से होगा। इससे पहले जो 5 प्रैक्टिस सेट हैं उसमें हमारे 60 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, और इन पूरे 60 क्वेश्चनों का आप विश्लेषण देखिए तो आपके कोशिका संबंधी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा हुआ था कल का, केंद्रिका की खोज किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, फेलिक फोंटाना ने, ठीक है। अब जो आपकी केंद्रिका है, सबसे पहले मान के चलिए ये कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है आपका केंद्रक होता है, क्या होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर ही आपकी क्या होती है केंद्रिका होती है, जिसकी खोज किसने की, फेलिक फोंटाना ने। यदि बात करें रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। तो ये खोजें आपको थ्योरी में बताई हैं कि किस कोशिकांग की खोज किसने की और केंद्रक संबंधी या फिर जो आपके कोशिका संबंधी विभिन्न खोजें हैं वो आपको सारी करवाई हुई हैं। इसके बाद रॉबर्ट हुक जो है, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन जो इन्होंने कोशिका खोजी थी वो कैसी थी, निर्जीव थी। और यदि पूछता है कि सजीव या सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। डी डवे ने किसकी खोज की थी, तो आपके शायद राइबोसोम की खोज इन्होंने की थी। तो याद रखिए चीज़ें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़े जानवरों में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, बड़े जानवरों की बात करें या छोटे जानवरों की, ठीक है, तो यहाँ पूछा गया बड़े जानवरों में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए जानवर लाखों करोड़ों यानी अरबों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, मनुष्य 40 खरब से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, प्रत्येक जानवर की कोशिका का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो उसे जीवित रहने और पनपने में मदद करता है, पशु कोशिकाएं कई भागों से बनी होती हैं जिन्हें अंगक कहा जाता है, जो एक साथ काम करते हैं और कोशिका को कार्य करने में सक्षम बनाते, जंतु कोशिका प्रकृति में यूकैरियोटिक होती है। तो ये आपको बता चुके हैं यूकैरियोटिक क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने यह स्पष्ट किया था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पहले से विद्यमान कोशिकाओं से बनती हैं, मतलब पहले से जिसे हम बुजुर्ग कोशिका कहेंगे अपनी भाषा में, तो बुजुर्ग कोशिका से ही नई संततियों का जन्म, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है आनुवंशिकी में। तो बताइए यहाँ पर नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है, ये किसने स्पष्ट किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरचो महोदय, कहीं कहीं बरचो मिलता है, कहीं कहीं इस तरीके से लिखा होता है, बिरचो महोदय ने, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए 1855 में सर्वप्रथम बरचो महोदय ने स्पष्ट किया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। एक मात्र कोशिका है, उससे कई संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, इसी को हम सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन या सेल थ्योरी किसने दी थी, तो 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने, और कल इसका भी क्वेश्चन आपको करवाया था, डिटेल से बता दिया था, ठीक है। अब देखिए कोशिका तथा कोशिका द्रव्य, तो ये कोशिका द्रव्य बता चुके हैं, कोशिका के अंदर भरा हुआ तरल गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जिसमें सभी आपके कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, वो कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका तथा कोशिका द्रव्य की वृद्धि के कारण एक ऐसी स्थिति आ जाती, मतलब ये जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब इन दोनों का संबंध, कोशिका और कोशिका द्रव्य का, ये संबंध टूट जाता है और आपके मदर सेल्स जो होती हैं, मात्र कोशिकाएं जो होती हैं, उस वो कई संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स में विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार एकमात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं के निर्माण को ही क्या कहते हैं हम, कोशिका विभाजन कहते हैं। अतः कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य होता है एक कोशिका से, मतलब एक जो मात्र कोशिका होगी उससे अनेक संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स को जन्म देना। ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनरुत्पादन, नवीन अंगों की वृद्धि और लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अब अगला क्वेश्चन ये तो हो गया आपके, देखिए विभाजन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ना कि विभाजन क्या होता है। अब विभाजन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा। फिर इसके बाद आपको विभाजन के प्रकार पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए दिया है सामान्यतया कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो बेसिकली हम दो प्रकार के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम समसूत्री विभाजन, कौन सा पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन, और एक पढ़ते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। लेकिन वैसे हमें तीन विभाजन देखने को मिल जाते हैं, जिसे एक विभाजन होता है जिसे हम असूत्री विभाजन कहते हैं। तो सामान्यतया कोशिका विभाजन दो प्रकार से देखने को मिलता है, जिन्हें समसूत्री अर्थात माइटोसिस, अर्धसूत्री यानी मियोसिस। तो कभी कभी आपको हिंदी में ना दे करके ये जो लिखा है इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, मियोसिस करके लिखा होगा। तो आपको समझना है मियोसिस कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन को और माइटोसिस कहते हैं समसूत्री विभाजन को, तो ये दो प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य कोशिका विभाजन भी होता है जिसे सूत्री विभाजन, लेकिन हम इसको प्रकार में नहीं अलग से पढ़ते हैं, जिसे एमाइटोसिस कहेंगे। तो आप समझ गए विभाजन क्या होता है, तो जब जो कोशिका होती है उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है इसकी जब वृद्धि हो जाती है तो इनमें जो संबंध होता है वो टूट जाता है, और जो मात्र कोशिका होती है उससे नई संतति कोशिकाओं का जन्म हो जाता है, यही आपका जो है विभाजन कहलाता है। विभाजन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर दिया गया है प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन किस कोशिका विभाजन को कहते हैं, तो जो आपके समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन है इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ कहा गया है प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन, मतलब जो आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है वो कौन सा विभाजन है, तो जो प्रत्यक्ष होता है वो आपका सूत्री विभाजन कहलाता है, एमाइटोसिस, जिसको हम विभाजन के प्रकार में नहीं अलग से पढ़ते हैं, तो वो आपका प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं इसी को सूत्री विभाजन कहते हैं, इसी को हम असूत्री विभाजन भी कह देते हैं, और इसी को प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। मतलब इसमें जो केंद्रक होता है वो विभाजित हो जाता है, तो ये कहलाता है आपका सूत्री विभाजन। अब हम देख लेते हैं क्या कहलाता है एमाइटोसिस जिसको कहते हैं, असूत्री, सूत्री या फिर आपका प्रत्यक्ष जो कोशिका विभाजन है, यह विभाजन किसमें होगा, जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखने को मिलता है। अब ये जीव किस वर्ग में आते हैं, तो पांच जगत वर्गीकरण में सारे ये जीवाणु विषाणु आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसी को प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहा जाता है, इसमें केंद्रक पहले क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है, प्रत्येक भाग से एक संतति केंद्रक पहुंच जाता है। मतलब ये जो आपका केंद्रक है ये पहले कैसा इस तरीके से लंबा सा हो जाएगा, फिर दो भागों में बट जाएगा और फिर दो संतति केंद्रक मतलब बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है सूत्री विभाजन जिसे प्रत्यक्ष विभाजन कहते हैं, इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है माइटोसिस, जिसे समसूत्री विभाजन जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। माइटोसिस, यदि यहाँ पर हम ए ना लिखें, केवल इतना लिख दें माइटोसिस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो फिर आपको यहाँ समझना है कि माइटोसिस किस विभाजन को कहते हैं, तो ये कहते हैं हम समसूत्री विभाजन को। तो यदि डायरेक्ट दिया है कि समसूत्री विभाजन तो फिर तो ठीक है, लेकिन यदि माइटोसिस दे दिया तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है किसको, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस और अर्धसूत्री को मियोसिस कहते हैं। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था ये बताना है, तो इसका प्रयोग किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, वाल्थर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, तो जैसे हम जो सूत्री विभाजन है या जो आपका एमाइटोसिस जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, तो उसी तरीके से जो समसूत्री विभाजन इसको परोक्ष कहेंगे, परोक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष का विपरीत क्या होता है, परोक्ष, इसे परोक्ष विभाजन भी कह सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब देखिए माइटोसिस शब्द का प्रयोग यदि पूछा जाए तो सन 1882 में सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग महोदय द्वारा किया गया, उन्होंने ही कोशिका विभाजन का नाम जो है वो माइटोसिस रखा। क्वेश्चन पूछ सकता है कोशिका विभाजन का नाम माइटोसिस किसने रखा है, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने, इन्हीं ने ही सबसे पहले माइटोसिस शब्द का प्रयोग भी किया था। इसका अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण, वास्तव में माइटोसिस का अर्थ होता है केंद्रक का विभाजन, परंतु व्यवहारिक रूप में यह शब्द केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के विभाजन के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन है शरीर में कायक कोशिकाओं में होता है,
इस प्रकार के विभाजन में जो मात्र मदर सेल होती है वो विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स बनाती हैं। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है किस विभाजन में एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है, तो वो समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन एक निरंतर प्रोसेस होती है। समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रम भी है जो कई चरणों या अवस्थाओं में संपन्न होता है। तो ये चरण और अवस्थाएँ यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी वाले लेक्चर देखें। देखिए, इसकी जो अवस्थाएं हैं वो विश्राम अवस्था जिसे इंटरफेज कहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो ये अवस्थाएं भी आपको क्रम से याद रखनी है। तो ये तो एक ही फेज हो गया आपका, ठीक है, मतलब एक ही चरण हुआ इसका, ठीक है। लेकिन जब आप अभी आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें आप इस तरीके से दो चरण पढ़ेंगे, ठीक है। एक ये चरण हो जाता है, फिर अगला चरण भी स्टार्ट होता है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन जो है मियोसिस का नामकरण किसने किया था। तो ये पूछा गया है इसका नामकरण किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फार्मर एवं मूरे ने। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं हम, मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। इसमें जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की यदि खोज पूछता है तो खोज बीजमैन ने की थी, लेकिन जो नामकरण है वो किसने किया है, फार्मर मूरे ने, और कब किया, सन 1905 में किया, ठीक। याद रखना, खोज किसने की थी, बीजमैन ने। अब देखिए, इस प्रकार कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिका में जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं उनमें होता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु और अंडाणु तथा पादपों में नर और मादा युग्मक बनते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसी कारण इस कोशिका विभाजन को न्यूनकारी, अर्धसूत्री मतलब संख्या आधी रह जाना, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो जिस तरह से हम असूत्री विभाजन को प्रत्यक्ष विभाजन कहते थे, समसूत्री विभाजन को परोक्ष विभाजन कहते थे, उसी तरीके से अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस कोशिका विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य है। इस तरीके से थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप चारों ऑप्शन देख पा रहे होंगे। क्या पूछा है, माइटोसिस, माइटोसिस किसे कहते हैं, तो माइटोसिस हम कहते हैं आपके किसको, समसूत्री विभाजन को। किसको कहते हैं, समसूत्री विभाजन को। तो यहाँ समसूत्री विभाजन के बारे में चार कथन दिए हैं, इनमें से आपको सही बताना है। तो देखिए, पहला दिया है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र इस तरह विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को उच्च मात्रा में वंशागति प्राप्त होती है, ये बिल्कुल गलत दिया है। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को समान मात्रा में वंश, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र इस प्रकार विभाजित होते हैं कि विभिन्न संतति कोशिकाओं को समान मात्रा में, विभिन्न की बात नहीं की गई। नेक्स्ट है, गुणसूत्र इस प्रकार विभाजित हैं कि संतति कोशिकाओं को कम मात्रा में, तो ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जो संतति कोशिकाएं होंगी जो मात्र कोशिका से बनती हैं उनमें समान मात्रा में वंशागति प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए, माइटोसिस कोशिका विभाजन का एक रूप है। माइटोसिस क्या है, कोशिका विभाजन का एक रूप है जिसमें एक यूकैरियोटिक जो कोशिका है, यूकैरियोटिक में जैसे आपका मानव जो है वो इसी में आएगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका एक ही आनुवंश की सामग्री के साथ दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करके विभाजित होती है। यह कोशिका चक्र का हिस्सा है और डीएनए प्रतिकृति के बाद होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मात्र कोशिका के जो जीनोम होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में पैतृक कहते हैं, इनको गुणसूत्रों में दो समान सेटों में विभाजित किया जाता है। माइटोसिस में गुणसूत्र कोशिका के मध्य में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, ताकि आपने डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है। प्रत्येक नई कोशिका में गुणसूत्रों का एक पूरा सेट हो जो मात्र कोशिका और एक दूसरे के समान हो। इसीलिए दोनों संतति कोशिकाओं में आनुवंशिक जो पदार्थ है या जो वंशानुगत सामग्री है उसकी मात्रा और प्रकार में मूल कोशिका के समान ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है कौन सा हार्मोन्स है। आपको ये हार्मोन्स भी हम करवा चुके हैं, ठीक है, जब हमने आपका पादप जगत पढ़ा था वहाँ पर हार्मोन्स बताए थे कि किसका क्या कार्य होता है। तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है आपका साइटोकाइनिन, जो कि ऑक्सिन के साथ मिलकर के वर्क करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा एब्सेसिक अम्ल क्या कहलाता है, यह एक पादप हार्मोन है, पौधों में बीज और कलियों की सुप्तता को बढ़ाता है, ठीक है। साइटोकाइनिन भी एक पादप हार्मोन है, यह पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। जिबरेलिन यह भी पादप हार्मोन है, यह पौधों में तने को बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट है ऑक्सिन, यह भी पादप हार्मोन है, पौधों की कोशिका वृद्धि को बढ़ाता है। डिटेल से यदि आपको पढ़ना है तो आप थ्योरी वाले लेक्चर देख लें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनन कोशिकाओं में कौन सा आपका जो विभाजन है वो संपन्न होता है। तो अभी आपको बताया, जनन कोशिकाओं में आपका अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, जिसे हम न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं, जिसमें आपके जो हैं सेल्स की संख्या आधी रह जाती है, ये होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अब कल जो हम प्रैक्टिस सेट रखेंगे आपकी कोशिका के बाद, हमने ऊतक वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसी से हम क्वेश्चन जितने भी बनेंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।